पृथ्वी चाहे हमें विज्ञान की वजह से मिली हो या भगवान की वजह से, दोनों ही सूरत में पृथ्वी ही हमारे जीवन का आधार रही है। अगर धरती नहीं होती तो हम भी नहीं होते। यह हमारी खुशनसीबी है कि आज हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में जान पाए हैं, इसे पढ़ पाए हैं और सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स तक पहुंच पाए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने प्लैनेट के साथ क्या कर रहे हैं? हम चांद पर जाना चाहते हैं, मंगल पर जाना चाहते हैं, लेकिन हम जहां रहते आए हैं उस प्लैनेट को, उस अर्थ को हम नहीं संभालना चाहते। इस बात पर प्राउड फील करना अच्छी बात है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आसपास के प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने प्लैनेट का क्या? रहने को तो हम यहां भी रह सकते हैं, क्या बुराई है यहां? ऑक्सीजन है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ तो है यहां, तो फिर हमें किस चीज की कमी है कि हम मंगल पर जाकर रहना चाहते हैं? आप जानते हैं, प्रॉब्लम अर्थ में नहीं है बल्कि हम इंसानों में हैं। अर्थ को हम लोग हजारों सालों तक इस्तेमाल किया, अपने मर्जी के हिसाब से जंगल काटे, पानी बर्बाद किया, यहाँ के रिसोर्सेज को खत्म किया, और आज जब अर्थ हमारी गलतियों की वजह से मरती जा रही है तो हम इसे छोड़कर नई जगह ढूंढ रहे हैं। आप ही बताइए, क्या अर्थ में शुरुआत से ही यहाँ पॉल्यूशन था? क्या यहाँ पानी की कमी थी? क्या हमेशा यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसी कोई समस्या थी? नहीं, बल्कि हमें तो एक साफ हरी भरी अर्थ जो रहने के लिए परफेक्ट मिली थी, वह इंसान ही है जिसने अर्थ को ऐसा बना दिया है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी अपने अर्थ को बचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसके कारण साल 2050 तक दुनिया के कई ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं। गौरतलब हो कि यूनेस्को अपने 50 विश्व धरोहर स्थलों में से लगभग 18,600 ग्लेशियरों की निगरानी करती है। इनमें से एक तिहाई का अस्तित्व खतरे में है, 2050 तक ये समाप्त हो सकते हैं। रिचर्ड्स ये दावा कर रही हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया चाहे जो भी करे, लेकिन वो फिर भी पिघलेगी। आपने सुना होगा कि इंसान दूसरों की गलती से सीख कर भी खुद को वह गलती दोहराने से बचा सकता है। हर ऑर्गेनिज्म, बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट्स, स्पीशीज को आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, तभी तो सर्वाइव कर सकता है। आपने देखा शुरुआत में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद को इस सराउंडिंग में ढाल पाए थे, उन्हीं के वजह से आज पृथ्वी पर जीवन है। इसके बाद आप डायनासोर का उदाहरण ले लीजिए, डायनासोर भी तो खुद को अर्थ पर बचा नहीं पाए थे, लेकिन उन्हीं के साथ जो छोटे एनिमल्स थे, वह जमीन में कहीं छुपकर और अपनी फूड हैबिट्स बदलकर खुद को जिंदा रखा था। हम तो ये जानते हैं कि डायनासोर के अंत का कारण एस्टेरॉयड था। इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, जानते हो वह क्या है? उस समय पृथ्वी से एक एस्टेरॉयड टकराया, उसी तरह क्या आज भी नहीं टकरा सकता? एस्टेरॉयड तो आज भी स्पेस में है, वह तो आसानी से हमारे एनवायरमेंट में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने उस घटना से सीख लेकर कई ऐसे रास्ते निकाले हैं जिससे वह एस्टेरॉयड के गति पर नजर रखते हैं। अगर कभी ऐसे हालात बनते हैं कि साइंटिस्ट को लगता है कभी एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है, तो वह स्पेस में ही उसकी दिशा बदल देते हैं ताकि एस्टेरॉयड किसी और डायरेक्शन में चला जाए। आज पृथ्वी को किसी बाहरी चीजों से उतना खतरा नहीं है जितना कि यहां पर मौजूद इंसानों से है। ये बड़ी बड़ी सिटीज जिसे हम अपना घर कहते हैं, असल में ये हमारे असली घर को उजाड़ रहे हैं। पृथ्वी हमारा असली घर है, अगर पृथ्वी ही नहीं होगी तो आप इस बिल्डिंग का क्या करेंगे? जगह जगह आज माइनिंग, वनों के अंधाधुंध कटाई, कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जंगल साफ होते जा रहे हैं और शहर बनते जा रहे हैं, लेकिन एक मिनट जरा रुककर सोचिए तो जो पेड़ आप शहर बनाने के लिए काट रहे हैं, वह अर्थ पर डेकोरेशन के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि आपको जिंदा रखने के लिए बनाए गए थे। आज आप जब किसी हरी भरी कॉलोनी से गुजरते हैं तो वहां आपको ठंडक महसूस होती है, लेकिन कभी सोचा है क्यों? पेड़ एटमॉस्फेयर को ठंडा रखते हैं, जो बारिश को आकर्षित करते हैं, और उन्हीं के वजह से बारिश होती है। हम वही लोग हैं जो बड़े बड़े घर बनाने के बाद ये शिकायत करते हैं, इस साल तो बहुत गर्मी बढ़ रही है, इस साल तो बारिश ही नहीं हुई, अरे सर्दियां इतनी जल्दी क्यों चली गई? तो दोस्तों, कहां से होगी? बारिश सब कुछ ही बदल दिया। इंसान को पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्पीशीज माना जाता है, लेकिन हम अपना बुद्धि को अपना घर उजाड़ने में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने सैटेलाइट्स बनाए, स्पेसक्राफ्ट बनाए, स्पेस को एक्सप्लोर किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अपने घर के लिए यानी पृथ्वी के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने साल हमने अर्थ को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब और नहीं।
अगर हमें अपने बच्चों के लिए सुरक्षित प्लैनेट चाहिए तो आज से ही हमें इसे सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी चीजों से कोशिश कीजिए, जैसे पॉलीथिन और प्लास्टिक के बैग यूज करना बंद कर दीजिए, उसके जगह कपड़े और पेपर के बैग यूज कीजिए। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, बिजली जितनी हो सके कम यूज कीजिए, पानी जितना हो सके कम खर्च कीजिए, जितना हो सके चीजों को रिसाइकल करने के बारे में सोचिए, अपने एरिया को क्लीन रखिए, कचरा हमेशा कचरे के जगह पर डालिए जहां से वह डंपिंग एरिया में पहुंच सके, क्योंकि वहां कचरा रिसाइकल हो जाता है। हर वह चीज जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचता हो उसे कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अपने अर्थ को पहले की तरह हरा भरा और साफ सुथरा बना सके। आज हमारी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि कुछ चाहकर भी कुछ चीजें रोक नहीं सकते, जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, केमिकल्स, लेकिन हम एटलीस्ट उन चीजों पर तो रोक लगा सकते हैं ना जो हमारे नियंत्रण में है, ताकि धरती से कुछ तो बोझ कम हो।